हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नालको यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। और यहां पे दोस्तों जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और भी बहुत सारी ब्रांच जो है एलिजिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है दोस्तों 120 है। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है सिर्फ बीटेक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, और बीटेक वही वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने गेट एग्ज़ाम दिया था 2020 का। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर के पीडीएफ या फिर मॉक टेस्ट सीरीज आपको फ्रेम चाहिए, तो आप जो है quicktechdev.com पे जाना ना भूलें, जहाँ पे आपको ये सारी सुविधाएं जो है फ्रेम मिलती हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर आप ब्राउज करें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप विजिट कर सकते हैं और डेली विजिट कीजिए। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आप जो है वहाँ से डायरेक्टली फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो 120 जो है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। जहाँ पे मैकेनिकल की बात की जाए सिर्फ दोस्तों तो 45 सीट है, इलेक्ट्रिकल की जो है 29, इंस्ट्रूमेंटेशन की जो है 15 और केमिकल की जो है 9 सीट है। मेटलर्जी की बात की जाए दोस्तों 13 सीट मेटलर्जी की लिए है, 5 सीट जो है सिविल वाले के लिए, 4 सीट जो है माइनिंग कैंडिडेट के लिए फॉर्म है यहाँ पे। देन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे जो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए वैकेंसी आई है, आपको जो है इनिशियली ट्रेनिंग में रखा जाएगा, इसके बाद जो है आपको परमानेंट किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान जो आपको काफ़ी अच्छी सैलरी भी यहाँ पे 40,000 पर मंथ जो है सैलरी मिलेगी। देन दोस्तों बात की जाए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो यहाँ पे जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 51 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 31, एससी के लिए जो है 15, एसटी के लिए जो है यहाँ पे 11 और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीट यहाँ पे रखी गई है। देन दोस्तों यहाँ पे 14 सीट जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको जो क्वालिफिकेशन है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपको जो है 60% जो है अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो 65% जो है मिनिमम लेके आना पड़ेगा, मतलब आपके बैचलर्स डिग्री बीटेक में होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं कैंडिडेट तो भी आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पे 50% रिक्वायरमेंट है। देन दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रांच जो है ये सारी ब्रांच जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल है, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहे हैं। देन दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है 30 साल रखी गई है, 30 साल से पहले वाले कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी जो आपका क्राइटेरिया है जैसे कि बात किया जाए रिजर्वेशन, तो यहाँ पे जो है 3 साल ओबीसी के लिए और 5 साल जो एससी एसटी के लिए दिया जाएगा। देन दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए इसमें क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे जो है आपका जो गेट एग्ज़ाम होता है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके स्कोर के बेसिस पे। देन दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये सारी ब्रांचेज जो हैं एलिजिबल हैं, और यहाँ पे कितनी सैलरी दी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 40,000 से लेके आपका जब ट्रेनिंग रहेगा तो 40,000 पर मंथ जाएगा, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो है 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है बाकी फैसिलिटीज़ जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्या यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना लिया जा रहा है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है दोस्तों 500 रुपये का जो है एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर इनकी वेबसाइट पर जाके आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी। तो दोस्तों quicktechdev.com पे जाना ना भूले, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें डेली न्यू जॉब्स, करंट अफेयर के पीडीएफ और मॉक टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलता है। तो आप जो है quicktechdev.com को जरूर सर्च करें, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वैकेंसी का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में और भी बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप वहाँ से आके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद है तो लाइक कर भी सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो ज़रूर लाइक ना करें, ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।